Hello everyone and welcome to the class of basic mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the department of mathematics from NIT Polytechnic Nagpur. Aaj hum unit number 2 trigonometric mein fundamental identities ke upar based examples dekhne wale hain. So let's see the course outcome. Apply the rules and formula of trigonometry to solve elementary engineering problems. So what are the learning outcomes? After watching this video, you will be able to know the fundamental identities of trigonometry and example based on it. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, उनके सारे फॉर्मूले और उसके ऊपर बेस एग्जांपल इजीली समझ में आ जाएंगे. सो आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर बेस एग्जांपल्स सॉल्व करना सीखेंगे. इससे पहले वाले लेक्चर में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक्स की सारी आइडेंटिटीज़ देखा है, वहाँ पर आप लोग को उसका प्रूफ भी समझाया गया है, वो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग को उसका प्रूफ समझाया गया है. वो प्रूफ आपको एग्ज़ाम में नहीं आता है. ओके, वही प्रूफ मैंने इस साइड में भी लिखा है. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आप सभी इससे पहले भी पढ़ चुके हैं. ये जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी से हम उसे और किस तरह से लिख सकते हैं. साइन स्क्वायर थीटा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा है, वह हमने लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने दिया. इक्वल टू का साइन 1 भी हमने एज इट इज़ राइट हैंड साइड में रहने दिया, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर थीटा था, उसे हमने राइट हैंड साइड में लेके गए, तो ये प्लस का क्या हो गया, माइनस. ठीक है, अगर हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर साइन स्क्वायर के फॉर्म में लिखना था, तो हम इस तरह से ये फॉर्मूले से साइन स्क्वायर के फॉर्म में निकाल सकते हैं, और वैसे ही सिमिलरली हम कॉस स्क्वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. ठीक है, सेकेंड वन है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब यहाँ पर ये एक जनरल फॉर्म हो गया हमारा, उसके बाद इसी को कन्वर्ट करके हम अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं. यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो टेन स्क्वायर थीटा है लेफ्ट हैंड साइड में, उसे दूसरी तरफ लेके गए, तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. प्लस का साइन था इस साइड में, सेकेंड साइड में जाकर वह माइनस हो गया, और इक्वल टू के बाद में क्या बचा, 1, जो कि हमने यहाँ लिखा. ठीक है, अगर इसी फॉर्म को सिर्फ टेन स्क्वायर के फॉर्म में लिखना हो, तो 1 को क्या कर देना है, सेकेंड साइड में लेके चले जाना है, तो वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा. ओके, देन नेक्स्ट वन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आप सभी को पता ही है. अब इसको हमने सिर्फ कन्वर्सेशन फॉर्म लिखा, क्या किया, कॉट स्क्वायर थीटा को सेकेंड साइड में लेके गए, तो हो गया ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. और हमें अगर इसे सिर्फ कॉट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो 1 को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड साइड में लेके जाना पड़ेगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो अगर आपने ये ओनली फर्स्ट वाला फॉर्म भी याद रखा, तो उससे आप ये कन्वर्सेशन ईजीली निकाल सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है. इफ़ साइन ए इक्वल टू 1/4, देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1. इफ़ का मतलब यदि, अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1/4 है, तो साइन स्क्वायर साइन ए की वैल्यू 1/4 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया है. ठीक है, तो प्रूफ करते समय हम क्या करते हैं, कोई भी एक साइड से स्टार्ट करते हैं, दूसरी तरफ हमें लेकर आना पड़ता है. तो हमारे पास सिर्फ साइन ए की वैल्यू गिवन है. ओके,
सॉल्यूशन में क्या गिवन है, साइन ए की वैल्यू गिवन है, साइन ए इक्वल टू 1/4। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए है, किसकी वैल्यू चाहिए है, साइन स्क्वायर ए की चाहिए है। तो स्क्वायर ए की चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर लगाया तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया हमने। किसी ए की तरफ स्क्वायर लगा सकते हैं क्या, नहीं। ओके, अब क्या करना, अगर आपको इसको सॉल्व करना आता है तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो कैलकुलेटर का यूज़ करना। ठीक है, ब्रैकेट लगाया, ये प्रेस करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए, 1 प्रेस किया यहाँ से 4 डिनोमिनेटर में। ठीक है, वापस इस साइड में प्रेस करके आपने वहाँ पे कर्सर लेकर आया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, स्क्वायर की बटन प्रेस किया, उसके बाद में इक्वल टू की बटन, क्या आ गया 1/16। तो हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या मिल गई है, 1/16। हमने साइन स्क्वायर ए तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए एंगल कोई भी हो सकता है, इसका मतलब कि हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दिस वन कॉस स्क्वायर थीटा वाला। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू दिस रूल, दिस आइडेंटिटीज, ठीक है, हम थीटा की जगह सिर्फ क्या लिख रहे हैं, ए। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर ए, ओके, इक्वल टू 1 एज इट इज माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1/16 इक्वल टू। ओके, क्या करूँगे, सिंपली पूरा टर्म कैलकुलेटर में एंटर करूँगे, पहले 1 किया फिर माइनस का साइन, फिर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टर्म चाहिए तो ये बटन प्रेस करूँगे, न्यूमरेटर में 1, फिर नीचे लाने के लिए ये रिप्ले के बटन में यहाँ पर नीचे की तरफ प्रेस किया, क्या है डिनोमिनेटर में वैल्यू, 16, जैसा यहाँ पर लिखा है वैसा ही हमने यहाँ पर लिख दिया है कैलकुलेटर में, उसके बाद में इक्वल टू की बटन प्रेस कर दिया आपने, तो देखो क्या आ गया है, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 15/16। ठीक है, जो स्टेप आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करिए। ओके, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि हमें राइट हैंड साइड मिलता है क्या। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, 1/16 प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, 15/16। ओके, इसे भी क्या करूँगे, पूरा कैलसी में एंटर कर दूंगी। ठीक है, कैलसी में एंटर करना सभी को आता है, ये बटन प्रेस किया 1, कर्सर को नीचे लेकर आया 16, उसके बाद में कर्सर को साइड में लाया, फिर प्लस की बटन, फिर से ये बटन को प्रेस करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टर्म लिखने के लिए, न्यूमरेटर में 15 लिखा, नीचे की तरफ प्रेस किया, डिनोमिनेटर में 16 लिखा, इक्वल टू की बटन प्रेस किया, क्या आंसर आया, 1। ठीक है, इक्वल टू 1, और ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था। ठीक है, देयरफॉर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, प्रूव्ड। ओके, देखा आपने कितना इजी है, तो साइन ए की वैल्यू गिवन थी तो यहाँ स्क्वायर था तो इसीलिए हमने पहले साइन स्क्वायर ए फाइंड किया, फिर आइडेंटिटीज यूज़ करके हमने कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, उसमें दोनों वैल्यू पुट किया तो हमें राइट हैंड साइड मिल गया। ओके, वन मोर एग्जांपल देखते हैं, प्रूव दैट अंडर रूट 1-cosA डिवाइडेड बाय 1+cosA इक्वल टू कोसेक ए माइनस कॉट ए। ओके, प्रूव दैट करना है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड के लिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं, प्रूफ करते समय हमेशा क्या करना पड़ता है, कोई भी एक तरफ का कंसीडर करके हमें दूसरी साइड लेकर आना पड़ता है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं,
कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए, ये हमें दिया हुआ है। और इस टर्म से हमें ये वाली वैल्यू, ये टर्म लेकर आना है। तो इसे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एकदम सिंपल से स्टेप है। हमें यहाँ पर रूट का साइन चाहिए क्या? नहीं। अगर हमें रूट का साइन हटाना रहता तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली और डिनोमिनेटर भी हम रैशनलाइज कर लेंगे उसे, ठीक है। रैशनलाइज करने से क्या होगा देखते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, जो आपको टर्म दिया हुआ है डिनोमिनेटर में उसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करूँगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगी। मैंने कोई न्यूमरेटर का टर्म नहीं लिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रैशनलाइज डिनोमिनेटर मतलब ये जो डिनोम, ये जो टर्म है उसका अपोजिट साइन से किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है, दो बार आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए द होल स्क्वायर, ओके। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए डिनोमिनेटर कैसे लिखा हुआ है आपका, ए प्लस बी ए माइनस बी है इस फॉर्म में। और आप सभी को अगर याद होगा तो a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, करेक्ट। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या लिखना है डिनोमिनेटर में, वन का स्क्वायर माइनस का साइन, b मीन्स कॉस स्क्वायर a, ठीक है। और हमने अभी आइडेंटिटीज देखा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ओके, इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के, ठीक है। सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, अभी हमने फर्स्ट वाले एग्जांपल में ये आइडेंटिटीज देखी है, ठीक है, आइडेंटिटी देखा हमने, वही हमने यहाँ पर यूज किया। देखिए ये अंडर रूट साइन है और न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर गेट कैंसल, क्या हो जाएगा, रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ कौन सा टर्म बचेगा वहां पर, 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ओके। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सेपरेटली डिनोमिनेटर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। अगर ये स्टेप नहीं समझिए तो देख लीजिए, ऐसे कर ऐसे लिखा है, ये अंडर रूट का साइन है, ये 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, यहाँ पर भी स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो एक बार कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर दोनों टर्म को सेपरेटली अंडर रूट का साइन भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ से रूट और स्क्वायर गेट कैंसल, सिर्फ ये जो ब्रैकेट टर्म है वह यहाँ पर रह गया, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद हम न्यूमरेटर को क्या कर रहे हैं, सेपरेटली डिनोमिनेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने 1 को डिनोमिनेटर प्रोवाइड किया, उसके बाद हम सेकेंड टर्म जो न्यूमरेटर में है कॉस ए उसे भी डिनोमिनेटर प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाता है, 1 अपॉन साइन सभी को पता होना चाहिए, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, ठीक है, 1 अपॉन साइन कोसेक ए होता है, ठीक है, जो एंगल रहेगा वह एंगल, माइनस का साइन जैसे का वैसा, और कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाता है, कॉट ए, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो देखा आपने कितना इजी सॉल्यूशन है, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक में सभी प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्यों, क्योंकि
वहाँ पर ज़्यादातर सिमिलर एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, बिकॉज कि यहाँ पर प्रूव दैट वाले पोर्शन ज़्यादा रहता है, तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट ही आता है। ठीक है, तो आप लोग को जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसे आपको अच्छे से ध्यान से देखना है, और जो आपको उसके नोट्स सेंड किए जाएंगे PDF बनाकर गूगल क्लासरूम में, आपको वो अच्छे से नोट डाउन करना है। ओके, अब हम इसी के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, वो आप लोग को होमवर्क में सॉल्व करना है। ये असाइनमेंट है, ये सभी एग्जाम्पल जो मैंने आज आपको फर्स्ट एग्जाम्पल समझाया है उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सेकेंड वाला प्रूफ दैट था, उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे जैसे कि मैंने अभी कहा, तो इन्हें आप लोग को ध्यान से सॉल्व करना है। अवर अपकमिंग टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और रेशियो ऑफ अलाइट एंगल। थैंक यू।